जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया कार्यशाला में 2 नवंबर से होने वाले नामांकन जमा और अन्य चुनाव संबंधी विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसे आपने बता दिया होगा सारे पॉइंट्स, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ टोटल 15 एसएसटी और 15 एसएसटी काम कर रही हैं, और जो 3 हर विधानसभा में एसएसटी हैं जिनको हम लोगों ने पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, और जो भी हमें कंप्लेंट मिल रही हैं उन कंप्लेंट्स को हम लोग एसएसटी और एफएसटी को असाइन करते हैं, और वो लोग फिर जांच करके देते हैं। जो भी निकट की एफएसटी होती है उसको हम असाइन करते हैं। तो अभी तक 100 से ज़्यादा कंप्लेंट आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ ड्रॉप भी की गई है। जैसे किसी ने अपनी सेल्फी लेके कंप्लेंट भेज दी, किसी ने सी विजिल पे ऐसी भी कंप्लेंट आ रही, कुछ सही की कंप्लेंट भी आ रही है जिस पर हम लोग जांच भी कर रहे हैं। हमारा जो ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो गया है, जिसको हम लोगों ने विधानसभावार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद में सेकेंड रैंडमाइजेशन, हमारे जो भी मतदान दल हैं वो सभी बन गए हैं, जिसमें एक जो मतदान दल है वो दिव्यांग मतदाताओं को मिला के बनाया गया है, जिसमें दिव्यांग मतदाता ही होंगे एक मतदान केंद्र पर, और वही लोग पूरा वोट का जो भी कार्यक्रम है वहाँ पर वो करवाएंगे। इसके अलावा 22 हम लोगों ने पिक मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मियों से लेके और जितने भी हमारे पोलिंग स्टाफ होगा वो पूरा महिलाएं होंगी, महिलाओं से मॉनिटर होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये आयोग का एक बड़ा कदम है। इस बार हम लोग हर पोलिंग बूथ के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ बना रहे हैं, जहाँ पे बीएलओ और दूसरे लोग बैठेंगे, पत्र हैं वो यहाँ पे लिए जाएंगे, और बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसी संदर्भ में करना चाहते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से जिनको भी पर्चा भरना है उनको ये सारी बातें पता चल जाएँ। हर नाम निर्देशन पत्र के बाहर हम एक सहायता केंद्र खोल रहे हैं, जहाँ पर विविध प्रकार के फार्म और जानकारी उपलब्ध रहेगी। लेकिन फिर भी सभी को ये पता होगा कि एक व्यक्ति जो है 4 से ज्यादा नाम निर्देशन पत्र नहीं दे सकता है, मैक्सिमम 4 नाम निर्देशन पत्र दे सकता है। और दूसरी चीज ये है कि वो 2 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में खड़ा नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति मान्यता प्राप्त हमारे राष्ट्रीय या राज्य, यहाँ तो राष्ट्रीय या राज्य कोई दल नहीं है, उनको तो एक प्रस्तावक चाहिए, और जो दूसरे दीगर लोग हैं उनको 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। तो ये भी उन लोगों को ख्याल रखना है। और फॉर्म 26 नया आ गया है, जो पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट लगता था वो उसमें कंबाइंड कर दिया गया है, तो वो फॉर्म 26 नया आ गया है। इस फॉर्म 26 का कोई भी कॉलम खाली नहीं छूट सकता, अगर कॉलम खाली छूटेगा तो हमारे आरओ उस व्यक्ति को बताएंगे कि आपका ये कॉलम खाली छूटा है, और अगर फिर भी वो खाली रखता है तो फिर उसका नाम निर्देशन पत्र रद्द हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो सभी जो भी आपके माध्यम से सभी जो भी नामांकन भरेंगे उनको ये बताना चाहते हैं कि वो सभी कॉलम खाली भर के, सभी कॉलम कोई कॉलम खाली ना रहे, सभी कॉलम भर के, और समय पे जो है नाम निर्देशन पत्र 11 बजे से 3 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर जो है, जैसा पहले हमने नोटिफिकेशन बताया था, कार्यालय में कल जमा कर, कल से जमा होना शुरू हो जाएंगे। जो फॉर्म 26 की प्रति है वो शपथ पत्र है वो सभी लोगों को उपलब्ध रहेगा, और हमारे पीआरओ के माध्यम से जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे, क्योंकि राइट जो जनता है उसका राइट है कि जो भी उसके प्रत्याशी हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या संपत्ति है, या उनका कोई आपराधिक केस तो नहीं, वो सब जानने का हक है। तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आएगा प्रकाश में, और वो हमारे पीआरओ आप लोगों को जो भी है उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे ही शाम को इकट्ठा होगी पीआरओ साहब एक कॉपी लेके आप लोगों को देंगे। तो ये जरूरी है फॉर्म 26। इसके अलावा शपथ का प्रतिज्ञान करना भी जरूरी है। इस बार आयोग ने नया फॉर्म 26 के साथ में C1, C2, C3 एनेक्सर जोड़े हैं। C1 ये है कि व्यक्ति का जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो व्यक्ति जो है वाइडली सर्कुलेटेड, ज्यादा लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, खबर ने उसमें छाप लिया उन्होंने 3 बार, वो ऐसे न्यूज़पेपर में छपवाना है जो वाइडली सर्कुलेटेड हो, ऐसा आयोग का मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो वो हम लोग एक बैठक करके पीआरओ साहब के माध्यम से जो हमारे मीडिया सेल है वो डिसाइड कर लेंगे, तो उसमें उनको 3 बार, उससे ज्यादा भी छपवा सकते हैं बट उसमें जरूर छपवाना है, मिनिमम 2 न्यूज़, 2 न्यूज़पेपर में 3 अखबार सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले 3 और 6 नंबर।
और समसा और समसाबाद एक ऑब्जर्वर देखेंगे, सिरोंज और कुरवाई एक ऑब्जर्वर देखेंगे, जो शेष दो विधानसभा बची उसको एक ऑब्जर्वर देखेंगे। दो तीनों IRS अधिकारी हैं, एक इनकम टैक्स से हैं और दो कस्टमर्स हैं, तो ये लोग कल पहुंच जाएंगे। फिर हमारे जनरल ऑब्जर्वर भी 5 नियुक्त हो चुके हैं, उनके अभी 2 लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लिया, वो लोग भी आ रहे हैं। तो जनता उन तक भी, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो शिकायत उन तक भी कर सकती है। जैसे ही वो आ जाएंगे उनको हम एक नंबर देंगे, वो हम आपको PRO साहब के माध्यम से देंगे, ताकि उस पर अगर किसी को अपनी बात कहनी है, शिकायत करनी है या कोई सजेशन देना है, तो भी शिकायत करनी है तो वो उस पर कर सकते हैं। 1950 तो टोल फ्री नंबर सभी को पता ही है, उस पर फ़ोन करके कोई भी अगर शिकायत की जाएगी तो हमारे तक पहुँच जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स के लिए, ये भी नियम है कि हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेड बनाए हैं, 100 मीटर की परिधि में जो है गाड़ियाँ नहीं आ सकती ज़्यादा। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि 5 व्यक्ति से अंदर, ज़्यादा अंदर व्यक्ति नहीं आ सकते। तो सभी लोगों से ये भी अपील है कि प्रत्याशी प्लस 4, और अगर प्रस्तावक, मान लो प्रस्तावक 10 लगे और उन्होंने दस्तक नहीं किए, अंगूठा लगाने वाले हैं, तो फिर 4-4 करके जो रिटर्निंग अधिकारी, वो 5 से ज्यादा तो नहीं।